भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की जिला इकाई के तत्वावधान में पदाधिकारियों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि ग्राम बहादुरपुर पट्टी तहसील मुरादाबाद में नन्हे सिंह निवासी गोपाल नगर आनंद नगर थाना रामनगर जिला नैनीताल ने अपने हिस्से की जमीन पुष्पा रानी के हक में वर्ष 2020 में बैनामा किया था, जो कि उप निबंधक प्रथम के यहाँ रजिस्टर्ड है। आरोप लगाया गया है कि विक्रेता नन्हे सिंह ने इसी आराजी का दोबारा बैनामा चंद्र क्षेत्र नामक व्यक्ति के हक में गत 18 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर कर दिया है। यह भी उप प्रबंधक प्रथम के यहाँ रजिस्टर्ड है। कहा गया कि ये बैनामा फर्जी व धोखाधड़ी पर आधारित है, जिसकी शिकायत नया तहसीलदार भोजपुर मुरादाबाद के यहाँ विचाराधीन है। जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया है कि आपका अमित ठाकुर हमें जी किस मामले को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? ये फर्जी बैनामे को खारिज करने के लिए कहाँ का है ये मामला? तहसील मुरादाबाद है। कौन सा गाँव? गाँव बहादुरपुर पट्टी। पूरी बात बताइए। पूरी बात ये 2020 में पुष्पा रानी ने जमीन खरीदी नन्हे से मालधन के रहने वाले हैं। वो बेचारा दीन हमारे भोजपुर नायब तहसीलदार के यहाँ तहसील में ही चल रहा है 2 साल से। उसी बैनामे को दोबारा फर्जी करके अक्टूबर में नन्हे ने फिर बेच दिया। वो भी वही मालधन के खरीदार हैं जो उसका दाखिलकार हो गया और हमारा भी पेंटिंग। आपने शिकायत की इसकी? शिकायत करिए साहब, अभी कोई निस्तारण नहीं करा। किस तारीख में मैंने तहसीलदार साहब को भी किया, कोई उसका निर्णय किया। तो भी डैम का के पास आए हैं क्या मांग करने का? मांग ये कि उसका बैनामा फट दिए, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई तार से इसी भी करी जाए। ये एक जमीन दोबारा बेच रहा है, अब तो ऑनलाइन है, पहले ऑनलाइन थोड़ी था। क्या मानते हैं इसके अंदर कुछ अधिकारी विभागीय अधिकारी दोषी हैं? अधिकारी विभागीय है, तभी तो मिली भगत से ये हो रहा है। कौन है वो, क्या नाम उसका? नन्हे अजीर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति का प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश। हमारे ये जिला उपाध्यक्ष हैं ठाकुर अमित जी, इन्होंने एक जमीन खरीदी थी 2020 में थाना भगतपुर क्षेत्र में। अब वहाँ वो उस जमीन को जिस आदमी से इन्होंने जमीन खरीदी थी, उसी आदमी ने एक साल के बाद जो दूसरे आदमी को बैनामा करा दिया, जबकि हमने 2000 में जमीन खरीदी थी। हमारा दाखिल खारिज नहीं किया गया तहसील द्वारा, और जिसने एक साल बाद नंबर 2 में जमीन खरीदी थी उसका दाखिल खारिज कर दिया गया। इसी के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हैं। जो इसमें दोषी हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, और भारतीय किसान यूनियन इसका जो है बड़ा विरोध करती है, बहुत तगड़ा विरोध करती है। और अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई, आने वाले वक्त में भारतीय किसान यूनियन बहुत तगड़ा प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर भी बैठेगी।